सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल के खिलाफ चल रहा धरना प्रदर्शन 79 दिनों से जारी है, जहां आमरण अनशन के 19वें दिन बैठे श्रमिक रौनक सिंह रावत को जिला और पुलिस प्रशासन की टीम ने धरना स्थल पहुंचकर उठा दिया। इसी दौरान अनशनकारियों की तहसीलदार सचिन कुमार और कोतवाली उप निरीक्षक के साथ काफी देर तक धक्का मुक्की होती रही। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर सेंचुरी मिल प्रबंधन के इशारे पर आंदोलन को कमजोर करने का आरोप लगाया। रौनक सिंह रावत को उठाए जाने के बाद आंदोलनकारी श्रमिक पूरन सिंह खरकवाल ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। लालकुआ से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। हम आमरण में बैठते रहेंगे और जिस दिन आमरण का सिलसिला खत्म होगा उसके बाद हम एक ऐसी रणनीति बनाएंगे कि इतिहास गवाह होगा। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के बाद ये पहला आंदोलन होगा जिसमें ऐसा हम कार्य करेंगे, ऐसा इतिहास गवाह होगा कि प्रशासन के होश उड़ जाएंगे। ये हम बताएंगे उनको क्या करेंगे। अभी हम उसको उजागर नहीं करना चाह रहे हैं और जिस दिन हम उसको करके दिखाएंगे तब प्रशासन को पता चलेगा कि ये पेट और भूख और ये बेरोजगारी क्या चीज होती है, तब जाके उनको पता चलेगा।